क्या कोई व्यक्ति जिसके दोनों हाथ ना हो और वो पत्थरबाजी कर सकता है? जी हाँ, अगर मध्य प्रदेश प्रशासन की माने तो ऐसा मुमकिन है। दरअसल खरगोन में हुई हिंसा को लेकर जिन लोगों के खिलाफ हिंसा करने को लेकर मामला दर्ज किया गया और जिनके मकान और दुकान को बुलडोजर से गिराया गया, उनमें दोनों हाथों से अपाहिज वसीम शेख भी शामिल हैं। अब इस सच्चाई के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की फजीहत हो रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में दिल को झकझोर करने वाली घटना सामने आई है। शिवराज की पुलिस ने जिस वसीम शेख को पत्थरबाज बता केस दर्ज किया और उसकी दुकान यानी गुमटी को ढहा दिया, दरअसल उसके दोनों हाथ है ही नहीं। ये मामला सामने आने के बाद शिवराज सरकार पर विपक्ष के नेताओं के साथ लोग बरस रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ये कैसा न्याय कर रही है, बुलडोजर चलाने से पहले सच तो जान लेते। वसीम शेख के दोनों हाथ 2005 में कट गए थे। वो बिजली की करंट की चपेट में आ गया था। इस हादसे में उसे गहरी चोट लगी और दोनों हाथ काटने पड़ गए। शेख के परिवार में 5 लोग हैं जिनका गुजारा तोड़ी गई दुकान से चलता था। वो 2 बच्चों के पिता हैं। प्रशासन की कार्रवाई सरासर गलत है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल रामनवमी के दिन भी क्षण हिंसा हुई थी। शहर के तालाब चौक से रामनवमी का एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। खास बात यह है कि अकेला वसीम ही नहीं बल्कि कई दूसरे लोग भी हैं जो पुलिस की मनमानी को झेल रहे हैं। पुलिस ने मध्य प्रदेश के सेंधवा में जेल में बंद आरोपियों को दंगे का आरोपी बना दिया, तो खरगोन में 2 ऐसे लोगों को दंगे का आरोपी बना दिया गया जिसमें से एक सरकारी अस्पताल के ट्रामा वार्ड में दाखिल था, जबकि दूसरा शहर से बाहर दूसरे राज्य में था। और मैं अपना छोटे से घूमती में अपना कारोबार करता था, और जो है कि मेरे भी जो है कि गुमटी को तोड़ दी गई है पूरी तरह से। किसने तोड़ी आपकी गुमटी? ये वाटागंज की तरफ से जो है कि बुलडोजर वगैरह आए थे, बुलडोजरों में मेरे भी गुमटी तोड़ी गई है। अच्छा। जो अपने मैं बीवी 2 बच्चे बूढ़ी माँ के साथ परिवार चलता था मेरा, मगर हालत जो है कि अब खराब हो गई गुमटी टूटने से मेरी। हाँ, मेरे जैसे आदमी को भी जो है कि नहीं छोड़ा गया। तो पिछले 8 दिनों से कैसे मैनेज कर रहे हैं? बाहर मैं अपने घर पर ही हूँ। मोहल्ले वाले सहयोग कर रहे हैं अभी। छोटी सी गुमटी थी जिसमें छोटा मोटा पतंग वगैरह गोली बिस्कुट वगैरह कारोबार चलता था मेरा, वो भी बंद कर दिया गया। तो ये आपने उनको पूछा नहीं कि क्यों आप तोड़ रहे हैं? नहीं, पूछने की जगह नहीं थी ना, इतना प्रशासन था, आ ही नहीं पाए ना हम, आने नहीं दिया किसी को। मतलब आपको गुमटी खाली करने का भी मौका नहीं? नहीं, गुमटी खाली करने का भी मौका नहीं दिया, ना कहीं सूचना मिली हमें कि आपकी गुमटी हटाए या ये किया जाए। पूरी 7 साल की मेरी जो पढ़ने जाती है, जिससे ही पढ़े लिखे का कारोबार भी जो है कि वो दुकान से ही चलता था, इनकी फीस वगैरह भी दुकान से ही भरता था मैं। अब जो है कि मेरा कारोबार भी नहीं रहा सर, वहाँ घूमती जो थी उस पर ही मेरा पूरा कारोबार था। ये मेरी बूढ़ी माँ बैठे ले। फिर क्या समस्या आई? आग घूमती नहीं होने से कुछ समस्या आ रही? समस्याओं का तो सर सामना करना पड़ रहा है ना हमें। अच्छा। जो है कि मेन घूमती थी हमारी, जिससे कारोबार चलता था घर का, ये हमारी माँ है। क्या हुआ है, क्या हो गया था? रोना आया भाई, हमारे को हमारा नुकसान हो गया, हाथ कटे, लड़के के जख्मी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, बीवी है, माँ है हमारी, रोना नहीं आया। क्या हुआ आपके साथ? चूर कर दी हमारी सारी, बच्चा गोली बिस्कुट बेचता था हमारा, उसमें घर चलता था हमारा, किसी का सहारा नहीं, हमको बच्चे के 2 ही हाथ कटे, बहुत जख्मी बच्चा, तड़ा बाहर है बच्चे का। क्या नाम आपका? कमर नहीं सर।